अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ हैरियत से हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है। दोस्तों आज इतनी ज़्यादा तेज बारिश और यार हवा चल रही है, बता नहीं सकता आप लोगों को मैं। इधर देखो यार पेड़ कैसे हिल रहा है। तो बाकी हमारे सेटअप का हाल देख सकते हैं आप लोग। तो यार हर तरफ ही जो है कि इतनी ज़्यादा तेज हवा और बारिश हो रही थी। बारिश जो है कुछ देर पहले रुकी है, तो मैं सुबह से यार इंतजार कर रहा था ये हवा भी रुक जाए, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही। और आपका भाई जाके सेटअप पर आ गया। अब इनको दाना देना था, तकरीबन टाइम हो रहा है 3-4 बज रहे हैं। तो सुबह से बंद पड़े हुए थे, बारिश हो रही थी। तो यार हवा बड़ी तेज चल रही है। तो ये देखो आप लोग यार झंडा किस तरह घूम रहा है, क्या चल रहा है। तो यार आज ना इनको अंदर ही दाना दे देते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। कुछ दिन पहले तो धूप लगी है, तो आज फिर ठंड वगैरह यार शुरू हो गई है। एक दो दिन तक ये रहेगी धूप या ठंड वगैरह। तो बाकी अब इस तरह करते हैं कि इनको दाना पानी इनके केजेस के अंदर ही देते हैं। हमारे ये देखो परचम का झंडा भाई, हमारा परचम है ये, इसको जो है ना इधर रख देते हैं इधर। यार बाल वगैरह भी आप लोग मेरे देख सकते हो, और ऊपर बादल देखो तो डक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही हैं। दोस्तों इस तरह है कि इनको ना अंदर ही दाना पानी दे देते हैं। दाना फाइनली हमने इस बॉक्स से अंदर डाल लिया, तो अब जो है ना कि हम अपनी मुर्गियों को देते हैं। तो बाकी भाई साहब बारिश जो है कि होने वाली है, जल्दी से अब ये मुर्गियों को दे देते हैं। जल्दी से इनका दरवाज़ा खोल दें और दाना इनको जल्दी जल्दी से दें, ताकि मैं जल्दी से नीचे चला जाऊँ। इन्होंने छलांग लगा कर यार बाहर आना चाहता कोई नहीं, तो इनको अंदर ही रहने देते हैं। ठंड पड़ी है भाई, दाना तो मैंने अंदर ही देना। आ जाओ भाई, आ जाओ दाना अंदर वाले खाएंगे। फिर जाओ ओ 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 क्या हो गया यार। दोस्तों इतने भाई खाओ जल्दी से अंदर जाओ। दाना दोस्तों इनको दे दिया, डक्स वगैरह हमारी दाना खा रही है, सारी डक्स बाहर आ गई हैं। तो ये देखो हवा कितनी तेज चल रही है, इसकी दुम देखो यार। बाकी दाना दे दिया इनको, छोटी मिसेज को हमने अंदर ही देना दोस्तों, ठंड काफ़ी ज़्यादा, वो बीमार ना हो जाए। दोस्तों डॉक्स और हमने जो है ना कि अपनी मुर्गियों देसी सारी मुर्गियों और गुनिया फूल को दाना पानी देकर उसी जगह दोबारा बंद कर दिया। अब जो है कि हम छोटी मिसेज को दाना देते हैं जल्दी से और नीचे चलिए। भाई साहब इधर ठंड काफ़ी ज़्यादा, ऊपर आज ऊपर ही जाए दाना देखते हैं ना पहले दोस्तों। ये देखो कुछ उनका पड़ा हुआ है और कुछ साथ दूसरा मिक्स कर लेते हैं। अंडे भी दो कल के पड़े हुए हैं इधर, दाना भी जो आगे हमारा रेडी हो चुका है साहब। तो आप छोटी मिर्ची को देखते हैं जल्दी से इस केज के अंदर। फिर अकेली छोटी मिर्ची भी है, ये लो भाई दाना खा लो छोटी मिर्ची। और उसके साथ दोनों जो आगे अच्छे तरीके के साथ दोस्तों दाना पानी खा रहे हैं। दोस्तों छोटी मिर्ची को दाना दे दिया, अब बारी है हमारे असीम मुर्गी और बाजीगर की। जल्दी से इनको भी दाना देते हैं। भाई नहीं आना दोस्तों, भाई नहीं आना दोस्तों। दोस्तों ये भी मेरे दोस्त ही हैं, तो अंदर ही रहना आपने। आप जल्दी से अपनी मुर्गी और बाजीगर को देते हैं अंदर 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 अंदर। आराम से खा लेना, चल तू भी अंदर है, चल 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 शाबाश। तो अब इनसे यार पानी वाला बर्तन उठाना है, अगर बाजीगर हमें उठाने देगा तो। दोस्तों पानी वाला बर्तन उधर पड़ा हुआ है, तो मिल गया पानी वाले बर्तन। तो अब इन्हें पानी भी दे देते हैं। दोस्तों पानी हमने पहले अपनी छोटी मिसेज को दे दिया, और इसके बाद जो है ना कि हम पानी बाजीगर को भी देते हैं, और साथ ही इसके यार कबूतरों को भी दाना पानी दे देते हैं। फाइनली दोस्तों कबूतरों को दाना पानी दे दिया, ये देखें। और कबूतर हमारे जो है कि दाना पानी खा रहे हैं सारे, वाइट तीनों वाइट कबूतरी वगैरह सारे। बाकी एक कबूतर हमारा ब्लैक बैठा हुआ है उस साइड के ऊपर, अंडों के ऊपर बैठा हुआ है। उसके भी बच्चे काफ़ी जल्दी निकलने वाले हैं। तो अब जो है ना कि नीचे इनक्यूबेटर मशीन के पास चलते हैं और अंडों की साइडें चेंज कराते हैं। दोस्तों इनक्यूबेटर के पास आपका भाई आ गया। इनक्यूबेटर हमारा जो है कि चल रहा है, अभी हमने इसको UPS के ऊपर जो है ना कि कन्वर्ट किया हुआ है। जब बिजली चले जाती है तो ये खुद बहुत जो दोस्त ऑन हो जाता है, और बिजली आ जाती है फिर भी ऑन नहीं रहता। तो बाकी आप लोग देख सकते हो भाई साहब टेम्परेचर इस टाइम क्या चल रहा है। तो अंडे वगैरह हिला देते हैं जल्दी से, इस तरह करके आप लोगों ने जो है ना कि अंडों को अच्छे तरीके से हिला देना, टूटने चाहिए।
बाकी हमारे पास एक कमी रह गई है, टेम्परेचर की कमी दोस्तों रह गई है, जिससे हमारा जो है ना कि सारा सही सेटअप अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाएगा इनक्यूबेटर का। तो ये सेंसर जो है कि आप लोगों ने याद रहे, इसको दरमियान में रखना है इधर, हाँ जी इधर। तो अब चलते हैं भाई। बाकी दोस्तों हवा भी काफी ज्यादा तेज चल रही है, ये देखो यार झंडे वगैरह आप लोग देख सकते हैं, फ्लैग तो बाकी आपके भाई ने सारा अच्छे तरीके के साथ कवर कर दिया दोस्तों। रात के वक्त भी बारिश आ सकती है, जिसकी वजह से आपके भाई के जानवर हैं इधर, तो आपके भाई को डर ही लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि ये ईंटें वगैरह गिर जाएं। तो जो है ना कि बारिश की वजह से यार काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा पड़े, मेरी मुर्गियों को बीमार हो जाएं, तो इसलिए यार आगे इनके शापर वगैरह लगाकर अच्छे तरीके के साथ सूझे और अच्छे तरीके के साथ कवर कर दिए इनको। तो अब जो है ना कि अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। तो यार वो देखो दरिया साइड की तरफ कितनी ज़्यादा दूर जो है कि उठ रही है, वो इसी वजह से उठ रही है क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से वो भी उठ रही है और डांस वगैरह कर रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं, अल्लाह।